हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरी मिर्च और प्याज की ऐसी सब्जी जो घर में कोई सब्जी ना हो तो आप बनाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, लंबी लंबी। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें या तो आप रेस्ट करने के लिए रख दें जिससे वो सूख जाए, या उन्हें किसी कपड़े से पोंछ लें। अब इन्हें अपने मनपसंद साइज़ में आप काट लीजिए। पहले इसका कैप निकाल दीजिए, फिर इसको बीच में से चीरा लगाएं, या गोल गोल भी आप काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे काटें। इसके बीज तो बहुत तीखे नहीं होते तो निकाल भी सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी काट लें। अब इसको इसी तरीके से कैप निकालते जाएं और लंबा लंबा पतला पतला काट लें, या जो आपके पसंद साइजेस हो वैसे आप इसको काट सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी हरी मिर्चों को काट लेंगे। ये देखिए कट चुकी है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज भी हमने 250 ग्राम ही ली है, जितनी हमने मिर्च ली है उतनी ही प्याज ली है। इन्हें पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। तो ये भी कट चुकी है। अब गैस पे एक पैन ले लें, उसे मीडियम फ्लेम पर रखें, उसमें ऐड कर दें 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही तेल अच्छा सा गर्म हो जाए उसमें 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल दें, उनको हल्का सा कड़कने दें। उसके साथ ही ऐड कर दें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, ज़ीरा को भी पकने दें। आधे मिनट के अंदर ही गोल्डन हो जाएगा तो आप इसे गोल्डन होने दें। दोनों को जैसे ही वो गोल्डन हो जाएं उसमें प्याज को ऐड कर दें। प्याज की नमी निकले तब तक हम इसको भूनेंगे ताकि हल्की सी गोल्डन हो जाए। तो यहाँ मैं इन्हें 1 से 2 मिनट इन्हें भूना है, तो आप देख सकते हैं इनकी नमी भी निकल चुकी है और इनके हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें ऐड कर दें कटी हुई मिर्चें। मिर्चों के साथ प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भूनें, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, अच्छे से भून लें ताकि कच्चापन निकल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें बगैर ना जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये अच्छे से भून लें इन्हें 2 से 3 मिनट। ढकना नहीं है, हमें मिर्च को ढकेंगे नहीं क्योंकि वो पानी छोड़ देगी, तो हम इसे नहीं ढकेंगे। इसको हम खोलकर ही बिना लिड लगाए ही भूनेंगे। अब इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स को ऐड कर दें। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इन सारे ही मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। हल्के हल्के हाथों से चलाते जाएं और भूनते जाएं इसको। जब ये हल्की सी और भुन जाए, हल्की सी गोल्डन लगने लगे प्याज और मिर्चें, तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर देंगे। ये बड़ी हरी मिर्च है, तीखी नहीं होती, इसलिए हमने 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें डाल दिया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। आप चाहे तो आमचूर पाउडर या अचार भी ऐड कर सकते हैं, और सॉल्ट ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट को हम सबसे बाद में ही डालेंगे क्योंकि वो पहले डालने से मिर्चें पानी छोड़ देंगी जो टेस्ट को ख़राब कर देती हैं और इतनी टेस्टी नहीं बनती। तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप नमक सबसे लास्ट में ऐड करें। ये देखिए भुनकर तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं फ्रेंड्स। लंच में बनाकर खाइए, या डिनर में खाने के साथ एंजॉय कीजिए, या ऐसे भी बनाकर आप खाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।